सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार, मैं पटना बिहार पे प्रियंका सिन्हा और प्रदाता आर्य इस राष्ट्रीय सम्मान 2022 राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार के एनिवर्सरी पर अपने व्यक्तिगत विचार और अनुभव व्यक्त कर रही हूँ। मैं आर्य इस के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय कुमार मन्ना जी एवं बिहार के प्रभारी श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, और मैं श्रीमती कामनी कुमुद की भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिलवाई है। सकारात्मक भारत आंदोलन देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जगाने के का एक अद्भुत प्रयास है। हम जैसे लोगों को भी मार्गदर्शन मिल रहा है जिसके बारे में कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें राष्ट्र प्रथम भारत एक पॉजिटिव की मंच से पॉजिटिव स्पीकर के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों देश की वीरांगनाओं के बारे में बोलने का मौका मिलेगा। आज़ादी की अमृत गाथा का वेबिनार काफ़ी प्रेरणादायक है। स्नेह मिलन कार्यक्रम उदय कुमार मन्ना जी के सानिध्य में शुरू हुआ जिसमें सभी पॉजिटिव स्पीकर्स को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। अपने परिवार के दिवंगत लोगों पर अवार्ड घोषित किया गया है। मैं भी अपने पति के नाम का लता मंगेशकर अवार्ड पाई हूँ। ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। हम लोग आज़ादी के अमृत गाथा के 75वें अंक में से 60 अंक तक पहुँच चुकी हूँ। हर अंक में नई नई जानकारी, अलग अलग लोगों को सुनने एवं आर्य एस की छत्र छाया में एक दूसरे की प्रतिभा को जानने, सफल अनुभवी दिग्गज लोगों को जानने का मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर कई भाषाओं की जानकारी मिली। आर्य एस परिवार भारत में अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को जोड़ने का कार्य कर रही है जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। देश में एकता सकारात्मक विचारों की जरूरत है। सकारात्मक भारत आंदोलन, सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम से ये सकारात्मक दिशा इस मंच को युवा सदस्यों, जय हिंद जय भारत। हमारे मातरम राम जानकी संस्थान ने राष्ट्रीय परिवार की मुहिम राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार विश्व एक घर की एनिवर्सरी 28 मार्च को मनाने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में हमारा उद्देश्य है कि हम सबको स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपनी सोच को विकसित करने का कार्य लगातार करेंगे। यह दिन हमारे आज तक के आंदोलन की समीक्षा का भी है। हमारे एकल आरजेएस परिवार पटना केंद्र के सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिया है कि हम एक स्वस्थ राष्ट्र भारत एक स्वस्थ परिवार विश्व एक स्वस्थ दाई आगाम दे घर बनाएंगे। इस संदर्भ में आरजेएस के दिशा निर्देश में भाई श्री उदय मन्ना जी के संरक्षण में दिशा के
दिशा निर्देश में और उनकी बातों को जीवन में निर्वहन करने का प्रयास हमारे सभी सदस्यों ने किया और अपने अनुभवों को आपस में चर्चा करके यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम राष्ट्र प्रथम, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ विश्व के निर्माण में अपनी सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन रक्षक उद्दीपन ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। यह सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन रक्षक ऊर्जा हमारे सभी सदस्य एकजुट होकर प्रतिदिन ध्यान के माध्यम से उपार्जित करते हैं जनलोक के कल्याणार्थ अर्पण हेतु। इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति बिना किसी शर्त के कर सकता है, सिर्फ उसे सकारात्मक सोच को पर टिके रहना होगा और हमारी प्रतिदिन अर्पित सकारात्मक ध्यान यज्ञ उद्दीपन ऊर्जा का को स्वीकार करना पड़ेगा अपने मन से और अपने स्वामित्व से उस पर अपना अधिकार प्रयोग करना होगा। इसमें कि कोई शर्त, कोई नियम, कोई बाधा नहीं है। इसका परिणाम मिलेगा कि वे स्वयं स्वस्थ रहेंगे, लोग भी स्वस्थ रहेंगे और सकारात्मक जीवन का प्रभाव सर्वत्र देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।